स्वागत है हमारे इस नए चैनल पर जिसका नाम है द ब्राइटन इंस्टीट्यूट। इस चैनल पर आपको बहुत सारी एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे जो फर्स्ट वीडियो चैनल शुरू हो रहा है हमारा, वो किसका हो रहा है? हमारा साइंस का 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि मैटर होता क्या है, मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, सब कुछ मैटर्स के बारे में चैप्टर पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं हमारा मैटर होता है। तो मैटर क्या होता है सबसे पहले समझने के लिए मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है बोर्ड पे, तो आप सभी देख सकते हो। क्या डेफिनेशन है? मैटर इज द सब्सटेंस व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। पहले यहां तक की डेफिनेशन हम लोग सिर्फ याद रखी कि मैटर इज अ सब्सटेंस। मैटर क्या है? कैसा सब्सटेंस है व्हिच हैव मास, जिसका क्या हो कोई ना कोई मास। अब मास क्या होता है? ठीक है, मास के बारे में थोड़ा सा देखो। बच्चे कई बच्चे कहते हैं कि सर मास जो है और वेट जो है वो सेम है, क्या ये चीज सही है गलत है? अरे ये चीज गलत है। मास अलग होता है और वेट अलग होता है। मास को भी किलोग्राम में हम नाप लेते हैं और वेट को भी किलोग्राम में हम नाप लेते हैं, बट दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि मास आपका पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, लेकिन जो वेट है वो चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स। जैसे आपने देखा होगा अगर कोई एस्ट्रोनॉट सिर्फ 3 kg का है और वो कहां चला जाए? मून पे चला जाए, तो वो 10 kg का हो जाता है। कितने केजी का हो जाता है? 10 kg का। और आइंस्टाइन ने थ्योरी दी कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ना तो बढ़ाया जा सकता है ना फिर घटाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वेट वैरी कर सकता है। तो एक चीज बताओ, अगर मैं कहूं कि इस मार्कर को 60 ग्राम के मार्कर को आप 70 ग्राम का कर दो, क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते विदाउट कुछ एडिंग, जब तक आप कुछ ऐड नहीं करोगे। ठीक है, और मैं कहूं कि 60 ग्राम के मार्कर को 30 ग्राम का कर दो विदाउट कुछ निकाले, मतलब विदाउट कुछ एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट फिर वेट कैसे चेंज हो रहा है? वेट डिपेंड करता है किस पर? ग्रेविटेशन फोर्स पर। जैसे अर्थ है हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा है और मून की ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ही कम है। तो मतलब 60 किलो के अपने ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है 60 किलो की फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को खींच रही है, और उसी ऑब्जेक्ट को जो मून है वो 10 किलो के फोर्स से खींच रहा है अपने। दिस कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। इसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स। तो मास जो है वो क्या होता है कि इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं उनका एक्चुअल मास। एक्चुअल मास मतलब एक्चुअल वेट, बिना किसी ग्रेविटेशन के वो होता है मास। और वेट होता है ऐसा वेट कि किसी सब्सटेंस को कोई प्लैनेट जैसे अर्थ कितने फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है, दैट इज कॉल्ड वेट। समझ आया? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन मैटर की क्या है? मैटर इज अ सब्सटेंस व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका क्या होता है? कोई ना कोई मास होता है, कोई ना कोई भार होता है, और ऑक्यूपाई स्पेस मतलब वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, मतलब जगह घेरता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मतलब क्या है कि मैटर किससे बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ये चेयर है, ये क्या है? चेयर। ठीक है, और ये चेयर जो है वो किससे बनी है? लकड़ी से बनी है। मान लो लकड़ी का एक ब्लॉक है, अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो लकड़ी का ब्लॉक छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, तो दैट इज मैटर। आपने देखा होगा हवा, हवा में भी छोटे छोटे क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं, ये भी क्या है? मैटर है। तो मैटर का एग्जांपल देखिए कि पेन, पेन भी किससे बना है? मैटर से। स्टार्स, चेयर्स, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जो क्या करते हैं? जिनका कोई भार होता है, कोई मास होता है, और वो जगह लेते हैं, मतलब ऑक्यूपाई स्पेस करती है, वो क्या है? मैटर है। और मैटर किससे बना होता है? टाइनी पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। अब इन पार्टिकल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं आपको बता देता हूं क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी, दे आर कॉन्टीन्यूअसली मूविंग। दे आर कॉन्टीन्यूअसली मूविंग मतलब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो कॉन्टीन्यूअसली मूव करते रहते हैं। सुनो, आप इसको एक थोड़े प्रैक्टिकल समझ लेते हैं कि ये पार्टिकल्स कैसे कॉन्टीन्यूअसली मूव करते रहते हैं।
तो ध्यान दीजिए सारे, सपोज हमने एक प्रैक्टिकल करा जिससे हम इस बात को प्रूव करेंगे कि वेक्टर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे और इस बीकर में हम क्या करेंगे, बहुत सारा पानी डाल देंगे, पानी से उसको पूरा भर देंगे, ठीक है। अब पानी से भरने का हमने ड्रॉपर लिया और ड्रॉपर से हमने क्या ली, इंक उठाई, थोड़ी सी इंक लिए ड्रॉपर में भरी और एक ड्रॉप इसका हमने इसके अंदर डाल दिया। तो जैसे ही वो ड्रॉप इसके अंदर जाएगा पानी के अंदर, आपको उसको हिलाना नहीं, आपको उसको मिक्स नहीं करना, आप सिर्फ क्या करो, आप देखो उसको ऐसे छोड़ो, मतलब ऐसे ड्रॉप डाल के छोड़ो। आप थोड़ी देर पर नोटिस करोगे कि वो नीले कलर की जो इंक है वो पूरे पानी में फैल चुकी है और पूरा पानी किस कलर का हो चुका है, नीले कलर का। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो नीले कलर के आसपास के पार्टिकल्स थे वो मूव हुए यहाँ पे, फिर यहाँ के पार्टिकल्स नीचे नीले की तरफ गए वो भी नीले हो गए, फिर वो भी मूव करे, तो ऐसे करके सारे पार्टिकल्स मूव करते करते पूरे पानी को उन्होंने क्या कर दिया, नीला कर दिया। तो समझ आ गया कि पार्टिकल जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं और ये जो मूवमेंट होती है वो एयर में मैक्सिमम होती है और लिक्विड में कैसी होती है, मोर होती है, और सॉलिड में ये कैसी होती है, मिनिमम। मतलब सॉलिड के पार्टिकल बहुत कम मूव करते हैं, लिक्विड के पार्टिकल उससे थोड़े ज्यादा, और एयर मतलब गैस के पार्टिकल, एयर जिस तरह गैस लिख लो कि गैस के जो पार्टिकल है वो सबसे ज्यादा मूव करते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं एक प्रैक्टिकल से समझ आ गया कि मैटर्स के जो पार्टिकल्स है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। तो ये समझ आ चुका है, अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं मैटर की, क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, इसके पार्टिकल्स में स्पेस होता है। तो इस चीज को कैसे समझेंगे, इसको भी एक एक्टिविटी के लिए, एक्टिविटी के थ्रू समझ। तो हमारी सेकेंड एक्टिविटी क्या है, हमें ये चीज प्रूव करनी है कि मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो इस चीज को कैसे प्रूव करेंगे, आप क्या करो, ग्लास, उस ग्लास में थोड़ा सा पानी डाल दो और फिर क्या करो, एक चम्मच शुगर लो और इस शुगर को इसके अंदर डाल दो, ठीक है, और मिक्स कर दो अच्छे से, ला के मिक्स कर दो। और मुझे ये बताओ कि हमने जब पानी में शुगर नहीं डाले थी, हमने अंदर एक मार्क करा था, उस मार्क से बताओ चीनी डालने के बाद पानी बढ़ेगा या घटेगा, मतलब वाटर लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बताओ। कई बच्चे कहेंगे कि पानी बढ़ जाएगा क्योंकि हमने उसमें चीनी डाली, ठीक है। कई बच्चे कहेंगे पानी घट जाएगा, बट एक्चुअल बेस का आंसर ये है, वाटर लेवल ना बढ़ेगा और ना ही घटेगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है कि वाटर के जो पार्टिकल्स है, सपोज वाटर के पार्टिकल्स है छोटे छोटे, हमने इसमें शुगर डाली मतलब चीनी डिसॉल्व कर, तो चीनी जो है पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वहां पर डिसॉल्व हो गई, जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था वहां पर डिसॉल्व हो गई, इसलिए वाटर लेवल ना ही बढ़ेगा और ना ही घटेगा। इतना समझ आ गया। तो सेकेंडली हमने प्रॉपर्टी समझ ली, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब के मैटर के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसको आप किस किस एक्टिविटी के थ्रू शो करोगे, चलो मैं आपको एक एक्टिविटी बता सकता हूँ, ठीक है। आप घर पे ट्राई कर सकते हो, सभी एक बार घर पे ट्राई करके देखना, आपको पता चलेगा कि मैटर्स जो है उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो पहले मैं आपको ये बताया था कि स्पेस जो है मैटर्स के पार्टिकल्स के जो स्पेस होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम इन गैस, एयर मतलब गैस के अंदर ये स्पेस मैक्सिमम होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसके पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं, ठीक है। लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट इन लिक्विड मतलब लिक्विड के पार्टिकल थोड़े पास पास होते हैं, इसलिए इनके स्पेस थोड़ा कम होता है, और मिनिमम इन सॉलिड
पास पास होते हैं। समझ आ गया सबको? ठीक है, तो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरैक्ट विद ईच अदर। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, तो एक्टिविटी क्या है हमारी, ध्यान से सुनना साहब। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैंने बताया आपने एक एक्टिविटी कर सकते हो, घर पे भी ट्राई करना। आप क्या करना, आपके घर पे सभी के टूटी होगी क्या नल जो होता है, ठीक है, टैंकी से पानी आता है, तो ठीक है, टैप क्या करना चालू कर दो तो यहां से पानी गिरना शुरू हो जाए। अब आपको करना क्या है, आपकी फिंगर का आपने क्या करना है, अपनी उंगली को इसके बीच में ऐसे डाला, ठीक है, ऐसे डालना उंगली को, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि वाटर पहले ऐसे आ रहा, फिर आपकी उंगली से साइड हो गया, और फिर वापस से नीचे आके वो दोनों मिल गए और वापस से सेम वैसे पानी होता है। तो उसका मतलब क्या है, आप एक चीज सोचो, अगर हम यहाँ पर सैंड गिराए, रेत गिराए अपनी उंगली के आसपास, तो वो ऐसे करके नीचे गिर जाएगी, ठीक है, लेकिन ये जो मैटर है, लिक्विड है, वो वापस से नीचे आके जॉइंट क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा क्या है, अट्रैक्शन है, मतलब उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो पार्टिकल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी है। और ये जो अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होता है, बहुत ज्यादा होता है इसमें सॉलिड में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है। इंटरमीडिएट किसमें होता है, इंटरमीडिएट होता है मतलब लिक्विड में, लिक्विड में ये थोड़ा कम होता है, मैक्सिमम से थोड़ा कम होता है, मतलब सॉलिड से बहुत कम होता है, और गैस में ये बिल्कुल नहीं होता, गैस के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ तक समझ आ चुका है आप सभी को, तो यहाँ पर हम इस पार्ट को खत्म करते हैं। सो फॉर द वीडियो यू वांटेड, तो दोस्तों ये हमारा है सेकंड पार्ट इसी वीडियो का, जिसमें कर रहे थे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन द सराउंड। तो सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर, सबसे पहले जो मैटर की जो स्टेट्स है वो है सॉलिड, दूसरी स्टेट है लिक्विड, और तीसरी स्टेट है गैस। तो मैटर हमारे आसपास तीन ही स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड स्टेट की क्या क्या खास बात होती है, लिक्विड स्टेट की क्या क्या खास बात होती है, और गैस स्टेट की क्या क्या खास बात होती है, तीनों में क्या डिफरेंशिएट है, आज ये सारा डिस्कस करेंगे। तो क्या लिखा, सबसे पहले सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं, डेफिनेट शेप, मतलब सॉलिड की एक डेफिनेट क्या होती है, शेप होती है। जैसे आपके घर पर टेबल है, क्या टेबल की कभी भी शेप चेंज होती है, नहीं होती, क्योंकि क्या है, डेफिनेट शेप। दूसरी क्या है, लिक्विड, नो डेफिनेट शेप, लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, उसको जिस कंटेनर में डाला जाता है वो वैसे ही शेप ले लेता है। अगर आप सिलेंडर में डालोगे तो सिलेंडर वाटर बन जाएगा, अगर आप क्यूबिक में डालोगे तो क्यूबिक वाटर बन जाएगा। तीसरा क्या है, गैस, गैस की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, उसको जिस कंटेनर में भरोगे गैस उस कंटेनर में आ जाएगी, ठीक है। दूसरा हमारा आता है डिफरेंशिएट, डिस्टेंस, बाउंड्रीज, मतलब सॉलिड की डिस्टेंस बाउंड्रीज होती है, उसकी कुछ सीमाएं होती है, जिसके अंदर सॉलिड रहता है हमेशा, ठीक है, वो उसी शेप में रहता है, उसी बाउंड्रीज के अंदर रहता है, लेकिन लिक्विड की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। अगर आप लिक्विड को जमीन पे गिरा दो तो वो बहना शुरू हो जाएगा, मतलब कुछ उसकी बाउंड्रीज नहीं रहेंगी, रुकेगा वो इधर उधर चला जाएगा। सेम ऐसी गैस की भी कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती। तीसरा हमारा डिफरेंशिएट आता है रिजिड, मतलब कि वो फ्लो नहीं करता, वो एक ही जगह पर बना रहता है। आपने कभी देखा आपके घर पर टेबल पड़ा है और वो मूव करके ना ऐसे चला गया, क्या अपना मूव करता है, नहीं करता, ठीक है। लेकिन हाँ, लिक्विड पड़ा हो तो वो फ्लूइडिटी होती है, मतलब वो बहता है, ठीक है, वो फ्लो कर जाता है। और सेम ऐसी गैस भी फ्लूइडिटी होती है, गैस की भी वो भी आपकी फ्लो करती है। तीसरा क्या है आपका, इनकंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल मतलब अगर हम सॉलिड को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो कंप्रेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स पहले से ही बहुत ही क्लोज क्लोज है, उनके बीच में स्पेस भी नहीं, आप कितना कंप्रेस कर पाओगे, उसको ना के बाद कंप्रेस कर पाओगे। दूसरा क्या है, लिक्विड, लिक्विड लो कंप्रेसिबल होता है, उसको हल्का सा कंप्रेस करा जा सकता है। अगर आप लिक्विड के पार्टिकल्स को देखोगे, सॉलिड के पार्टिकल्स को देखोगे, तो देखो ध्यान से, ये सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही फास्ट फास्ट होते हैं, बहुत ही फास्ट फास्ट होते हैं पार्टिकल्स, तो इसलिए इनको कंप्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस।
स्पेस होता है, इसलिए ये लो कंप्रेसिबल होते हैं। लेकिन गैस जो है, गैस के पार्टिकल्स तो भाई बहुत ही दूर दूर होते हैं, क्योंकि इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए क्या होती है हाई कंप्रेसिबल, मतलब इसको हम अच्छे से कंप्रेस कर सकते हैं। आपने देखा होगा एक कंपनी की हवा को आप एक छोटे से कंटेनर में स्टोर कर सकते हो कंप्रेस करके, ठीक है। दूसरा क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। सॉलिड का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है, मतलब वॉल्यूम मतलब एक ऑक्यूपाई स्पेस करेगा, डेफिनेट ऑक्यूपाई स्पेस करेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, लिक्विड, लिक्विड का भी डेफिनेट क्या होता है, वॉल्यूम होता है, लेकिन गैस का भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। अच्छा, डेफिनेट वॉल्यूम से मतलब है कि एक कंटेनर लो, ठीक है, उसमें कोई सॉलिड डालो और उसी सॉलिड को क्या आप थोड़े छोटे कंटेनर में डाल सकते हो, नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सेम ऐसे लिक्विड का है, आप एक लीटर लिक्विड ले लो, उसको आप 250 ml वाले बॉटल में डाल सकते हो, नहीं डलेगा। क्यों, क्योंकि इसका क्या है डेफिनेट वॉल्यूम है, लेकिन गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। आप एक गुब्बारे की गैस को एक छोटी सी बॉटल में भर सकते हो और उसको पूरे कमरे में ही भर सकते हो, क्योंकि उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया, तीनों में डिफरेंशिएट समझ आ गया, तो इसलिए नोट कर लीजिए। तो आगे हम पढ़ते हैं गाइस हमारा, how we can change the state of matter, कैसे हम किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए, जैसे मैटर की तीन स्टेट मैंने बताई थी, वो कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम किसी भी मैटर को लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड से गैस में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, तो वो सारा हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कि हाउ वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, में सबसे पहला है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो हम किसी भी मैटर का टेम्परेचर चेंज करके उसकी जो फॉर्म है, उसकी जो स्टेट है, उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है टेम्परेचर का, वाटर। एक गिलास पानी लीजिए, क्या लीजिए, गिलास पानी। अगर हम इस पानी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा, मतलब उबलना शुरू हो जाएगा। तो ये वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। अभी इसमें ये लिक्विड। और अगर हम इसका टेम्परेचर कम करना शुरू करते हैं, मतलब इसको ठंडा करना शुरू कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सॉलिड में, मतलब आइस। तो ध्यान से सुनो कि अगर हम किसी का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, इंक्रीज करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट होता है और लिक्विड, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये वाटर का केस हो गया, क्योंकि वाटर एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मेटल है जो तीनों स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस। तो हम टेम्परेचर अप्लाई करके इसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। दूसरा आता है बाय चेंजिंग प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करके भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो प्रेशर से कैसे चेंज, तो ध्यान से देखिए सारे, कि अगर हम किसी पर प्रेशर अप्लाई करें तो क्या होगा। तो प्रेशर अप्लाई करने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, छोटी सी, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आप सबके घर में सिलेंडर तो आता होगा, एलपीजी सिलेंडर आता है कि नहीं, हाँ आता है, सभी के घर में आता है। तो एलपीजी जो गैस है, उसकी फुल फॉर्म क्या, एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या नाम है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस बनी कैसे, ठीक है। एलपीजी का एक पेट्रोलियम गैस है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में वो एक्चुअल में नहीं पाई जाती, वो किस फॉर्म में पाई जाती होती, वो गैस ही है। क्या होती है, वो गैस होती है। अब जब गैस को हम पिस्टन में डाल के प्रेशर ऊपर से अप्लाई करते हैं, पिस्टन में डाला हमने और ऊपर से प्रेशर अप्लाई करा, इधर गैस के पार्टिकल्स दूर दूर है, तो जैसे हम इसमें प्रेशर डालेंगे तो इसके पार्टिकल्स थोड़े पास पास आ जाएंगे, और जैसे ही पार्टिकल्स इसके थोड़े पास पास आएंगे, तो पास पास आने की इसमें कन्वर्ट हो जाएगी गैस लिक्विड में। तो जैसे ही इसके पार्टिकल इतने पास आते हैं जितने लिक्विड के होते हैं, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर हम इस पे और प्रेशर अप्लाई करें, और प्रेशर अगर हम इस पे क्या करें, अप्लाई करें, तो ये लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड में। इसमें सॉलिड, अगर हम और प्रेशर
पर अप्लाई करेंगे तो ये इसके पार्टिकल्स और पास पास आ जाएंगे, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो समझ आया कि हम कैसे किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। पहला क्या है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। दूसरा क्या है, बाय चेंजिंग प्रेशर। तो आगे हम पढ़ते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर कैसे कैसे इसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला है आपका आता है मेल्टिंग पॉइंट। क्या आता है, मेल्टिंग पॉइंट। किसी का भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कि उस टेम्परेचर पे जिस पे एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, मतलब लिक्विड बन जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसे आपने देखा होगा कि पानी है, अगर हम पानी को क्या करें, गर्म करें, ठीक है, तो वो इवेपोरेट हो जाता है। और अगर हम आइस लें, ठीक है, आइस है सॉलिड फॉर्म, सॉलिड को जब हम गर्म करेंगे, आइस को गर्म करेंगे, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट। जितने टेम्परेचर पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। अब बात आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है कि 1 kg सब्सटेंस को, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड। समझ आ गया, ठीक है। अगर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा आता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, boiling point is the temperature at which a liquid boils to form vapors at atmospheric pressure, it's boiling point। तो ध्यान से सुनो कि कोई भी मैटर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड से किस पे कन्वर्ट होने लगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, मतलब वाष्प बन जाए या फिर उड़ने लग जाए या गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे वो क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे आपने देखा होगा कि वाटर जो होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 degree पर अगर हम किसी वाटर को गर्म करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होना शुरू होगा, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा, मतलब भाप बनना शुरू हो जाएगा। तो ये समझ आ गया बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अगला आएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, सही है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg लिक्विड इनटू गैसीयस स्टेट। गैसीयस स्टेट मतलब उसको गैस कहते हैं। समझ आ गया, ये भी क्लियर है। अब इसके बाद आता है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, द चेंजेस ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर। अगर कोई सॉलिड डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाए ऑन हीट, अगर हम उसको हीट करें तो उसे हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे, ठीक है। या फिर वेपर इनटू सॉलिड, वेपर सीधा किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, उसको कूलिंग करके, मतलब विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, मतलब बिना लिक्विड बने अगर कोई मेटल डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन रहा है या गैस से सॉलिड बन रहा है, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। उसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो सब्लिमेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे पहला है कैम्फर। कैम्फर मतलब कपूर। कपूर देखा होगा आपने, जब उसको जलाते हैं तो वो डायरेक्ट किससे कन्वर्ट, सॉलिड से गैस बन के उड़ जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, अमोनियम क्लोराइड। आप थोड़ा सा एग्जाम्पल ले सकते हो, एक स्टैंड लीजिए, उसके नीचे बर्नर रखिए और बर्नर में बर्नर को चालू कर दीजिए और इसके ऊपर क्या रखिए, एक ट्यूब लेके उसके यहाँ पर थोड़ी सी कॉटन फंसा दे और इसके अंदर थोड़े से टुकड़े डाल दीजिए, तो उसे अमोनियम क्लोराइड। तो जैसे आप इसको बंद करोगे तो आपको पता चलेगा कि जय सारा अमोनियम क्लोराइड ऊपर उड़ चुका है और यहाँ पर आपको छोटे मोटे मोटे पार्टिकल्स दिख जाएंगे अमोनियम क्लोराइड के। अब ऐसा क्या हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमोनियम क्लोराइड जब भी हम उसको बंद करते तो वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है और गैस जैसे ही ठंडी हुई वाटर में आकर जैसे ठंडी हुई वैसे ही उसमें कन्वर्ट होगी, वापस से सॉलिड में कन्वर्ट होगी। तो गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड स्टेट। तो ये हो गया आपका सब्लिमेशन। दूसरा क्या है, टेम्परेट बॉक्स। ये पॉसिबल आपने देखा हो घर पे आपके फनेल की गोलियां डालते हो आप सभी, ठीक है, वो गोलियां आप जैसे ही डालते हो अपने फनेल में तो वो सारी हो जाती है, खाली हो जाती है, बिना लिक्विड के कन्वर्ट।
तो उसे क्या बोलते हैं, ये भी क्या है आपका सब्लिमेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो हमने चेक कर लिया, ठीक है सब्लिमेशन के बारे में। अब एक आपको चीज बता दे दी कि मैटर की स्टेट चेंजिंग में हम टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल रखते हैं, टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें एक एक्सेप्शन है, हमारी जो CO2 होती है ये डायरेक्ट सॉलिड से किसमें कन्वर्ट होती है, गैस में कन्वर्ट होती है, और गैस से वापस से सॉलिड में कन्वर्ट होती है। मतलब ये कभी भी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होती, ये चीज याद है CO2 का। तो यहां तक हमारा डेटा खत्म हो चुका है, तो बहुत सारे नॉलेज डाउन। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग प्रेशर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग प्रेशर। अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं तो उससे मैटर्स की फॉर्म में स्टेट में क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो ध्यान से देखो, इफ वी कंप्रेस अ गैस इन अ सिलेंडर द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड। गैस इज लिक्विफाइड, ध्यान से सुनो इस वर्ड को, लिक्विफाइड मतलब गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ध्यान से सुनो, अगर हम एक सिलेंड्रिकल पिस्टल लेते हैं और उसके अंदर गैस को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, ऊपर से प्रेशर डालते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो ये गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये गैस कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। अब ये गैस लिक्विड में क्यों कन्वर्ट हुई, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स है वो काफी दूर दूर थे। गैस के पार्टिकल कैसे थे, दूर दूर थे। जब उन्हें प्रेशर अप्लाई करा उस पे तो ये पार्टिकल थोड़े पास आगे, पास इतने आगे जितने लिक्विड के होते, तो इसलिए किसमें कन्वर्ट होगी, लिक्विड में कन्वर्ट होगी। आपके आसपास बहुत सारी गैस है, जैसे सबसे पहले एलपीजी मैंने बताया था, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, मैंने एलपीजी की फॉर्म बताई थी। इसके बाद सीएनजी बताया था, कंप्रेस नेचुरल गैस। ये सारी ऐसी गैस है जो किस फॉर्म में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। अगर आता है आपका टॉपिक इवेपोरेशन, क्या आता है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होता है, ध्यान से सुनो, इट इज अ सरफेस फिनोमेना इन विच लिक्विड चेंजेस इट्स इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, ये एक सरफेस फिनोमेना है, किस पे डिपेंड करता है, सरफेस पे, ठीक है। इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स, लिक्विड किसमें चेंज हो जाता है, वेपर्स में चेंज हो जाता है, किस पे, एट एनी टेंपरेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स, इट्स कॉल्ड इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन सबसे अच्छा एग्जांपल बताओ, क्या करो घर पे ग्लास हो और ग्लास में थोड़ा सा पानी भरो, उधर मार्क कर दो कि कितना आपने उसमें पानी भरा है। इसके बाद उस ग्लास को किसी भी ऐसी जगह पर रख दो जहां पर कोई से ना छेड़े, मतलब उसको रख के भी भूल जाओ। थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि ये जो गिलास है इसका पानी थोड़ा सा कम हो गया है। अब आपको ये पानी गया कहां, तो हमने तो उसको बॉइल भी नहीं करा जिससे इवेपोरेशन शुरू हो, तो ये गया कहां, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब कि ये पानी जो हो गया वो क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, क्या हो गया, इवेपोरेट। तो इवेपोरेट पानी होने से इसका जो वाटर लेवल है वो थोड़ा सा कम हो गया। अब ध्यान से सुनो, इट इज सरफेस फिनोमेना इन विच लिक्विड चेंजेस into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. अब evaporation के कौन-कौन से factors हैं, किन factors पे evaporation depend करता है? सबसे पहला factor है exposed surface area. कि surface area जितना बड़ा होगा evaporation rate उतनी ही ज्यादा होगी, और surface area जितना छोटा होगा evaporation से evaporation rate उतनी ही कम होगी। तो ध्यान से देखो, अगर हम दो बर्तन लें, एक ऐसा बर्तन है और एक ऐसा बर्तन है, और दोनों में हमने सेम पानी डाला मतलब बराबर पानी डाला, तो बताओ किसमें इवेपोरेशन रेट ज्यादा होगा। अगर दोनों को कहीं रख दें तो किसमें पानी ज्यादा जल्दी कम होगा, इस बड़े वाले में, क्योंकि इसकी ज्यादा बड़ी सरफेस पर इवेपोरेशन चल रहा है और उसकी कम सरफेस पर इवेपोरेशन चल रहा है। दूसरा क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी डिपेंड करता है इवेपोरेशन में, तो टेम्परेचर अगर कम होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी, ठीक है, नहीं, अगर टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगी, और टेम्परेचर ज्यादा होगा इवेपोरेशन ज्यादा होगी। आपने देखा होगा आपके घर पे चाय बनाई आपकी मम्मी ने, तो आपकी मम्मी ने जैसी चाय बनाई, चाय की खुशबू एकदम से उठी आपकी नाक में आई, क्यों आई, अरे क्यों आई, क्योंकि उसकी इवेपोरेशन की रेट ज्यादा है। और सेम ऐसे ही आपने ठंडी ठंडी लस्सी बनाई,
उसकी खुशबू ही नहीं आ रही आपको, आप नाम लगा सकते हो कि हाँ खुशबू आ रही है, ठीक है। तो इवेपोरेशन की रेट किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। तीसरा क्या है फैक्टर, ह्यूमिडिटी, मतलब आर्द्रता, हवा में कितने पानी के मॉइस्चर अवेलेबल है। तो देखो बारिश के टाइम पे आपका पसीना आसानी से नहीं सूखता, लेकिन जब गर्मी बड़ी हो, धूप हो, तब आपका पसीना बहुत आसानी से सूख जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हवा में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है धूप के टाइम पे जब गर्मी होती है, और जब रेनी सीजन आता है तो हवा में मॉइस्चर बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तीसरे किस पर डिपेंड करता है, विंड पर। हवा जो होती है मॉइस्चर के पार्टिकल्स को अपने साथ उड़ा के ले जाती है, इसलिए हवा जितनी ज्यादा होगी वेपोरेशन रेट उतना ही ज्यादा होगा, हवा जितनी कम होगी वेपोरेशन रेट उतना ही कम होगा। तो इवेपोरेशन समझ आ गया। अगला, इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग, मतलब इवेपोरेशन क्या करता है, हमें ठंडा करता है, कूल करता है। अच्छा कूल कैसे करता है, ध्यान से देखिए, लिखा था कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन लिक्विड इवेपोरेट टेक लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम द सराउंडिंग व्हिच आर लूजिंग हीट व्हिच इज लूजिंग हीट गेट्स कूल। तो ध्यान से सुनो, जब भी हम किसी भी चीज में मतलब देखते हैं इवेपोरेशन हो रहा है तो वो चीज ठंडी क्यों हो जाती है, ठंडी इसलिए होती है क्योंकि ये देखो एक सरफेस है, इस सरफेस पर थोड़ा सा पानी लगा दिया, अब पानी जैसे इवेपोरेट होगा, यहां से इवेपोरेट होना शुरू होगा, तो वो क्या करेगा, अपने आसपास की हीट को भी अपने साथ इवेपोरेट करके ले जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, सरफेस क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, मतलब चिल्ड हो जाएगी। तो ध्यान से देखो इवेपोरेशन का आपको केस समझ आ गया होगा कि इवेपोरेशन क्या होता है, हमने ये समझ लिया इवेपोरेशन ठंडा क्यों पड़ता है, हमने ये भी पढ़ लिया, तो सारी चीजें हमने ए टू जेड पढ़ चुके हैं, ये चैप्टर होता है खत्म। हमने इस वीडियो को दो पार्ट में खत्म करा, पहले पार्ट में हमने जो कुछ पढ़ा, सेकेंड पार्ट में जो कुछ पढ़ा, अगर आपको समझ आया हो, जो भी आपको समझ आया हो, तो आप कमेंट में जरूर लिखें, और हमारा नया चैनल बिल्कुल फ्रेश चैनल, अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और अगर